जिले में दबंगों ने सरपंच के पति और उसके परिजनों को मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला राजनगर थाना क्षेत्र के पिलखवार गांव का है। पिलखवार पंचायत के निवर्तमान सरपंच फूल देवी के पति घायल विजय कुमार यादव की माने तो उनके बेटे भोला यादव को बीते सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान गांव के दानीलाल यादव, गुड़ेश्वर यादव, रंजन यादव, कमलेश यादव, संतोष यादव और रामसागर यादव समेत अन्य ने टेंगारी और फरसा मार कर जख्मी कर दिया। इसके बाद परिजनों के सहयोग से विजय यादव और भोला यादव को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। पर्चा बांटने के लिए आ रहे थे कि हमारा ये है, मैं सरपंच फूल देवी का पति हूं। बस जैसे ही वहां मैं उसके अंदर गया, जैसे उनको दे रहे थे कि वो लोग पीछे से आया, मारपीट करने लगा और बोला दानीलाल यादव कि इसको जान से मार दो सर, उसका बेटा हमको टेंगारी मार दिया कपार पे, कट गया सर। कौन सब था साथ? सर उसका दानीलाल यादव था, उसका बेटा है रंजन यादव, उसका भाई है भुवनेश्वर यादव, उसका बेटा है कमलेश यादव जी सर, और राम सागर और बिक्रू यादव, उसका बाप का नाम है जगदीश यादव। ये जो है इनको कौन? रंजन यादव और प्रभु यादव। इनको कौन मारा? दूसरा जो आदमी वही लोग मारा सर, हमको तीनों बापे को टेंगा रहा था वो, रंजन यादव हमको टेंगारी मारा सर। पुलिस को जानकारी है सर? वो लोग पुलिस को फोन किए, हम लोग अंदरिया में थे तो हम लोग सर किसी तरह जान बचा के आ गए। वहाँ पे सर पुलिस आया कि नहीं? वहाँ घटना वहाँ था, पर्ची बांटने गए थे, पर्ची बांट के निकल रहे थे, निकल के बस गाड़ी पर बैठ रहे, वहाँ से दानीलाल यादव दोनों बाप के ये सब लोग आया और रंजन कुमार यादव टेंगारी उठाया मारा। ये कैंडिडेट राम सागर यादव वहीं पर भी था, वो भी था, संतोष यादव वहीं पर था, जगदीश का लड़का सब मिलकर मारपीट किया, घायल हो गए। घायल हो गए? आप भी थे साथ में? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रतन कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? पिलखवार। कौन पंचायत? पिलखवार टोला। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।